यस हेलो एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल माय स्टूडेंट्स. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. खुश रहिए भाई, गिरिडीह से प्रणाम. खुश रहिए खुश रहिए. सबको वेरी वेरी गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग टू ऑल माय चैंपियंस. आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और हम टीचर्स भी आपको डरा देते हैं. आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ाने वाले हैं. स्टूडेंट्स एकदम इंग्लिश का एडवांस लेवल होने वाला है. आज नॉन फाइनाइट वर्ब होने वाला है. ऐसा कुछ भी एडवांस नहीं है. चीज़ें जब समझ जा रहे हो ना तो सब चीज़ इजी है. अगर समझ में आ गया सब चीज़ इजी है. अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आ रहा है ना, छोटा से छोटा चीज़ भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो वो भी आपको डिफ़िकल्टी लगेगा, वो भी आपको एडवांस ही लगेगा. एडवांस वर्ब, ऐसा कोई भी वर्ब है. आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब पढ़ने वाले हैं और अब तक जितने भी आपके डाउट्स थे नॉन फाइनाइट से रिलेटेड, पढ़ने के बावजूद भी आपको नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं समझ में आ रहा था, आज हम सारे डाउट्स को क्लियर करेंगे. ओके, सो टाइटन योर सीट बेल्ट्स एंड गेट Ready for the session of awesome session of non-finite verb. Okay, तो good morning. सबको very very good morning. हाँ students, आज हम important topic करने वाले हैं non-finite. एकदम ready हो जाओ. ऐसा कुछ भी नहीं है, बहुत easy topic है. ठीक है, मैंने आपको basic verb पढ़ा दिया, फिर मैंने आपका model verbs पढ़ाया. पूरा भरपूर time लिया है सब एक एक topic पढ़ाने में भरपूर time ले रही हूँ, तो इसलिए like तो बनता है session के लिए. आज हम non-finite verb पढ़ने वाले हैं. ठीक है, आज हम नॉन फाइनाइट वर्ब में क्या पढ़ेंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है, कैसे कैसे इसको यूज़ करते हैं, ये जेरेंड होता क्या है, इन्फिनिटिव होता क्या है, पार्टिसिपल होता क्या है, इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं. जेरेंड भी तो नाउन होता है, इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है, तो कैसे पता चलेगा, दोनों तो नाउन है, कहाँ जेरेंड यूज़ करेंगे कहाँ इन्फिनिटिव यूज़ करेंगे. पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल V4 फॉर्म में और पास्ट पार्टिसिपल V3 फॉर्म में, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल लगाना है कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगाना है, और सबसे खतरनाक कि कहाँ जेरेंड लगाना है और कहाँ इन्फिनिटिव लगाना है. इससे रिलेटेड भर भर के एग्जाम्स में आपके एरर्स आ रहे हैं. तो जो स्टूडेंट्स इस चैनल पर पहली बार आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, सेशंस अच्छे लगे लाइक कर देना. टेलीग्राम का लिंक मैंने कॉमेंट बॉक्स में पिन कर दिया है, टेलीग्राम से जुड़ जाना. ठीक है, और कल मैंने क्लोज टेस्ट का सेशन भी डाला था, होपफुली आपको पसंद आया हो. और कुछ बच्चे ना आकर बोलते हैं मैम आप बोल क्यों नहीं रहे हो, अरे मैंने पहले ही बता दिया वो लाइव सेशन नहीं है, जो क्लोज टेस्ट और PQRS ना वो रिकॉर्डेड जा रहा है. ये कितनी बार आपको बताया है कि जो मंडे को और वेंसडे को क्लोज टेस्ट और PQRS का सेशन जाता है वो लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है. आधे घंटे का है रिकॉर्ड. लाइव तो मैं सुबह आती हूँ 11:30 बजे ना, हर समय लाइव आऊँगी तो आपका टाइम वेस्ट होगा. आप देख रहे हो आपका आराम से 2 क्लोज टेस्ट हो जा रहा है आधे घंटे के अंदर. आप फील कर रहे हो कि कितना टाइम बच जा रहा है. ठीक है, तो चलो हाँ, सेशंस अच्छे लगे अच्छा लगेगा. नॉन फाइनाइट वर्ब से रिलेटेड मन में जितने भी डाउट्स है आज हम क्लियर कर लेंगे. ठीक है, अभी तक मैंने जितना भी वर्ब पढ़ाया आपको सारा फाइनाइट वर्ब है. आज हम पढ़ने वाले हैं नॉन फाइनाइट. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैम ये फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट होता क्या, जरा रोशनी डालिए इसको, जरा सा क्लियर करिए होता क्या है, इसको क्यों यूज़ करते हैं, इससे रिलेटेड क्या क्या एरर्स आते हैं. ठीक है, तो दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट वर्ब्स होते हैं बस 3 को छोड़कर. कौन कौन सा नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारा 3 आता है, एक जेरेंड आता है, एक इन्फिनिटिव आता है और एक पार्टिसिपल है. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि ये जेरेंड क्या होता है, इन्फिनेटिव क्या होता है, मैं सब पढ़ाऊंगी. सबसे पहले याद रखना कि ये नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आता है. नॉन फाइनाइट वर्ब के कैटेगरी में आता है और क्यों आता है, और आखिर नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है. चलो हम एकदम जड़ से स्टार्ट करते हैं कि इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं. सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ, लिख कर ही बताती हूँ. ठीक है, लिख कर बताऊंगी ना तो ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा, आपको लगेगा कि मैं ऑफलाइन पढ़ा रही हूँ आपको. नॉन फाइनाइट वर्ब्स, आपके मन में जो जो डाउट्स है सब क्लियर हो जाएगा और बच भी जाएगा, तो आप बताना क्या क्या डाउट. नॉन फाइनाइट वर्ब्स में हमारे 3 वर्ब्स आते हैं, एक है जेरेंड. ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स में 3 वर्ब्स आते हैं, एक है जेरेंड और दूसरा है इन्फिनिटिव और तीसरा है पार्टिसिपल. जैसे मैंने थोड़ा बहुत बताया भी था पार्टिसिपल के बारे में, अगर आपने प्रीवियस क्लास किया होगा ना तो पार्टिसिपल के बारे में बताया. ये मैं बताऊंगी इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं, एग्जाम्पल के थ्रू बताऊंगी. सबसे पहले ये जेरेंड क्या होता है, अगर बोला जाए ना तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स सब नकली वर्ब्स है. नकली वर्ब्स क्या है, मतलब असली वर्ब्स नहीं है. नकली क्यों बोला, क्योंकि ये जो जेरेंड है ना होता तो वर्ब है बट वाक्य में काम करता है नाउन का.
इन्फिनिटिव भी होता तो वर्ब है बट काम करता है नाउन का, और पार्टिसिपल भी नकली वर्ब है. नकली वर्ब मतलब होता तो वर्ब है बट काम करता है एडजेक्टिव का. तो अगर कोई आपसे पूछे कि जीरण क्या होता है तो आप क्या बोलोगे? मैम जब वर्ब नाउन का काम करने लगे ना तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम जीरण बोलते हैं. और अगेन जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसको इन्फिनिटिव बोलते हैं. अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि जीरण भी तो जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसको भी जीरण बोलते हैं, और जब वर्ब नाउन का काम करने लगे उसको भी इन्फिनिटिव बोलते हैं, तो आखिर दोनों में डिफरेंस क्या है? जीरण में क्या होता है कि जब वर्ब का आई एन जी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसको हम जीरण बोलते हैं, ठीक है. और जो इन्फिनिटिव होता है ना, 2+V1 फॉर्म में होता है. इन्फिनिटिव 2+V1 फॉर्म में नाउन का काम करता है और जीरेंड आईएनजी फॉर्म में करता है, ठीक है. और मैं जब इन्फिनिटिव पढ़ाने लगूंगी उसमें एक और इन्फिनिटिव बताऊंगी जिसको इन्फिनिटिव का एक और प्रकार होता है जिसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं. कोई भी इन्फिनिटिव बगैर टू का है ना उसको हम बेयर इन्फिनिटिव बोलते हैं, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है. अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, ओके. तो बस कोई आपसे पूछे कि जीरण क्या होता है तो आप बोलना कि वाक्य में जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए उसे जीरण बोलते हैं, और वाक्य में जब 2+V1 फॉर्म नाउन का काम करने लग जाए उसे क्या बोलते हैं? इन्फिनिटिव बोलते हैं. और किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए उसको क्या बनना होगा? वाक्य में नाउन का काम करने के लिए क्या बनना होगा? या तो उस आईएनजी फॉर्म को वाक्य में सब्जेक्ट बनना होगा या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि जब मैंने आपका फर्स्ट डे पढ़ाया था किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए, किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको नाउन या प्रोनाउन होना होगा, ओके. और वाक्य में या तो सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना होगा या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. बस याद रखना सिंपल लैंग्वेज में कि किसी भी वर्ड को नाउन का काम करने के लिए ना उसको वाक्य में या तो कर्ता बनना होगा या तो कर्म, या तो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट बनना होगा. उसी तरह क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि जीरण क्या है, जीरण तो सेंटेंस में होता तो जीरण वर्ब ही है क्योंकि हम इसको नॉन फाइनाइट वर्ब चैप्टर में पढ़ रहे हैं, तो ये सब है तो वर्ब बट नकली वाले वर्ब है. नकली वाले वर्ब मतलब है तो वर्ब बट इसमें नाउन की मिलावट है. इन्फिनिटिव भी है तो वर्ब बट इसमें नाउन की मिलावट है, बट इन्फिनिटिव V1 फॉर्म में होता है 2+V1, और जीरण ING फॉर्म में होता है. तो इन्फिनिटिव भी तो नाउन ही है ना, तो इन्फिनिटिव को क्या करना है? इन्फिनिटिव होने के लिए कोई भी इन्फिनिटिव वाक्य में किसका काम करता है? वो भी वही काम करता है, नाउन का काम कर रहा है. इसका मतलब है वाक्य में सब्जेक्ट बन रहा है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, या वाक्य में ऑब्जेक्ट बन रहा है या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ठीक है. अब तीसरा लिखते जाइएगा. अब तीसरा कि ये एडल्टरेटेड वर्ब्स है. हाँ, ऑल दीज आर एडल्टरेटेड वर्ब्स. ये सारे नकली वर्ब्स है. नकली वर्ब्स है तो वर्ब और नाउन का काम करना कर रहा है. अब मुझे बोलोगे कि मैम ये पार्टिसिपल क्या है? आपको याद होगा जिस दिन मैंने फर्स्ट डे आपको वर्ब पढ़ाया था, फर्स्ट सेकेंड डे में जब मैं V1 V2 V3 पढ़ा रही थी उसमें V3 और V4 में बताया था कि ये जीरेंड और इन्फिनिटिव तो वर्ब के रूप में नाउन का काम करता, बट पार्टिसिपल क्या है? जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए, ओके, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसे हम पार्टिसिपल बोलते हैं. और वर्ब का दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक V3 और एक V4. जब V3 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल. और जब V4 एडजेक्टिव का काम करता है तो उसको हम बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल. तो ये वाला, ओके, ये वाला थोड़ा सा टैबुलर फॉर्म में आप लिखिए, इसको लिखिए लिखिए इसको लिखिए. हाँ, अभी इससे क्वेश्चन क्या क्या आएगा मैं बता रही हूं, ओके. हाँ एडल्टरेटेड, एक बार फिर समझा दीजिए. ओके, चलो एक बार फिर समझा दिया जाए. बता रही हूँ. पहले तो मैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा बता दे रही हूँ, फिर मैं सब चैप्टर्स को अलग अलग करवाऊंगी कि जीरेंड से कैसे एरर आता है, इन्फिनिटिव से कैसे एरर आता है, पार्टिसिपल से कैसे एरर आता है. ये जीरेंड क्या है? जीरेंड पूरी तरह से वर्ब नहीं है. ये जीरेंड में नाउन की मिलावट है.
और इन्फिनिटिव भी पूरी तरह से वर्ब नहीं है, तो वर्ब बट वाक्य में नाउन का काम करता है, और दोनों तो नाउन का काम करता है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है कि जेरेंड आईएनजी फॉर्म में होता है, इन्फिनिटिव 2+V1 फॉर्म में होता है, और दोनों नाउन का काम करता है, इसका मतलब है वाक्य में कर्ता या कर्म, सब्जेक्ट या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम करेगा। और पार्टिसिपल बिल्कुल अलग है, इन दोनों में तो कुछ समानता भी है कि दोनों नाउन का काम करता है, बट डिफरेंस है कि ये आईएनजी फॉर्म में और एक V1 फॉर्म में, बट प्रेजेंट या लेकिन जो पार्टिसिपल है वो नाउन का काम थोड़ी करता है, वो वाक्य में एडजेक्टिव का काम करता है। और वाक्य में जैसे जीरण तो आईएनजी फॉर्म है, इन्फिनिटिव तो V1 फॉर्म है, लेकिन जो पार्टिसिपल है ना, वर्ब के पांचों फॉर्म्स में से दो ही फॉर्म एडजेक्टिव का काम करता है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल और एक पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल को V3 फॉर्म में लिखते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल इज V4 फॉर्म। अब मुझे बताओ कि इतना दूर क्लियर है, इतना दूर क्लियर है? अब ना ज्यादा अपना आंसर नहीं दोगे, वी ईट टू लिव ये सब पहले मेरी बात को सुनो, इतना दूर क्लियर है? इतना दूर क्लियर है तो फिर मैं बताऊंगी कि आपका अब एरर, आपका अब डाउट कहाँ कहाँ पे आने वाला है, आपका डाउट कहाँ कहाँ पे आने वाला है, उसके बाद मैं आपको बताती हूँ। देखो आपका डाउट कहाँ कहाँ आएगा, आपका डाउट आएगा कि मैम जीरण भी तो नाउन है और इन्फिनिटिव भी तो नाउन है, तो कैसे पता चलेगा दोनों नाउन है कि कहाँ जीरण का यूज़ करें और कहाँ इन्फिनिटिव का। आज हम ये सब डाउट क्लियर करने वाले हैं, जब दोनों नाउन का काम करता है तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ जीरेंड यूज होगा कहाँ इन्फिनेटिव होगा, एक डाउट ये भी आएगा। दूसरा डाउट ये आएगा कि मैम वर्ब का V3 फॉर्म भी तो पार्टिसिपल होता है और वर्ब का V4 फॉर्म भी तो पार्टिसिपल होता है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे V3 यूज करें कहाँ पे V4 यूज करें। कभी कभी हम एक ही जगह पे V3 V4 दोनों यूज कर लेते हैं और कभी कभी दोनों में से कोई एक ही यूज होगा, तो ये सब डाउट्स को हम लोग क्लियर करने वाले। नहीं नहीं जीरेंड एडजेक्टिव नहीं हो सकता है, जीरेंड एडजेक्टिव कहाँ से हो जाएगा, जब बोल रही हूँ कि जीरेंड नाउन है, इन्फिनिटिव नाउन है। ओके हाँ चलो अब मैं इसको रब करती हूँ, ठीक है, आपका सारा डाउट सर्च क्लियर करेंगे। सबसे पहले तो मैंने बता दिया कि ये होता क्या है, जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। और दूसरा मैंने अब मुझे बताना है कि इसको नॉन फाइनाइट वर्ब में क्यों डाला गया है, मतलब क्या डिफरेंस है फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में, आखिर क्या डिफरेंस फाइनाइट और नॉन फाइनाइट, और जीरेंड इन्फिनिटिव पार्ट, दुनिया के सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं, सिर्फ जीरेंड इन्फिनिटिव जीआईपी मतलब जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को छोड़ के सारे वर्ब्स फाइनाइट होते हैं। अब मैंने सेंटेंस लिखा ही लाइक्स स्विमिंग, ही लाइक्स स्विमिंग। अब मैंने लिखा दे लाइक स्विमिंग, और तीसरा लिखा दे लाइक स्विमिंग। फिर लिखा मैंने ही विशेस टू गो, ही विशेस टू गो, दे विश टू गो, और सिक्स्थ वाला लिखा दे विश्ड टू गो। ठीक है दे विश टू गो, और यहां पे लिखा मैंने द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड। और फिर मैंने लिखा द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड। इसको पहले ना मुझे बताना है कि इसको नॉन फाइनाइट वर्ब क्यों बोलते हैं, द ब्रोकन ग्लास वॉज रिपेयर्ड, इसको नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं? ठीक है सॉरी ओके हाँ यस यस
अब देखो अब ये सेंटेंस देखना, इस सेंटेंस में नॉन फाइनाइट और फाइनाइट के वर्ब में के बीच में डिफरेंस बता रही हूँ। ये ही क्या है? ये ही हमारे वाक्य का सब्जेक्ट है और ये वर्ब है, और लाइक्स कभी भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं होता, लाइक्स जब भी होगा ना मेन वाला वर्ब होगा, ही लाइक्स। इसको मैं आपको बताऊंगी और क्या क्या आपको प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। देखो एक प्रॉब्लम आपका ये भी आएगा, मैम जीरेंड भी तो आईएनजी होता है और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आईएनजी होता है, तो कैसे पता चलेंगे करेंगे कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है कहाँ जीरेंड है? अब इसको मैं क्या मानूँ? ही लाइक्स वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है, वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है। इसको मैं वर्ब नहीं मान सकती क्योंकि आपने दिमाग में बैठा रखा होगा कि मैम वर्ब का आईएनजी फॉर्म तो वर्ब होता है ना, बट आपने इसको वर्ब नहीं माना क्योंकि हमें तो अपना वर्ब मिल गया है, हमें अपना वर्ब ये मिल गया। अब ये वर्ब नहीं है, ही लाइक्स वॉट, वॉट का जवाब आ रहा है मतलब नाउन है। वैसे वैसे मैं अगर लिखूँ बॉय, बॉय भी तो नाउन है, बॉय नाउन है, बट बॉय जीरेंड नहीं है क्योंकि जीरेंड होने के लिए सबसे पहले उस वर्ड को आईएनजी फॉर्म में होना होगा, आईएनजी फॉर्म में तब उसको नाउन का काम करना पड़ेगा, बट बॉय तो असली वाला नाउन है, यहाँ पे वर्ब की कोई मिलावट वगैरह नहीं है। ओके वर्ब का कोई मिलावट वगैरह नहीं है, तो ये देखो ये नाउन है। अब बोलोगे मैम कैसे पता चला नाउन है, वॉट का जवाब आ रहा है और अपने आईएनजी को कैसे मान लिया नाउन? हमने अभी पढ़ा है ना, जब वर्ब का आईएनजी फॉर्म नाउन का काम करने लगे उसे ही तो जीरेंड बोलते हैं। तो यहाँ का स्विमिंग जीरेंड है, जीरेंड है। और दूसरा यहाँ भी ही लाइक वॉट, यहाँ भी स्विमिंग जीरेंड है और यहाँ भी स्विमिंग जीरेंड। तो नॉन फाइनाइट वर्ब्स किसको बोलते हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं ना, नॉन फाइनाइट में हमारा तीन ही वर्ब है, जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल। और नॉन फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जिसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है और जिसका टेंस पे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखो ये जो लाइक्स है, यहाँ मैंने लाइक्स लिखा, यहाँ मैंने लाइक लिखा और यहाँ मैंने सपोज यहाँ पे पास्ट टेंस करना है तो मैंने लाइक्ड लगा दिया। आप देख रहे हो ही सिंगुलर था तो वर्ब भी सिंगुलर, दे प्लूरल था तो वर्ब प्लूरल। तो यहाँ पे जो ये लाइक्स वर्ब है ना, ये नॉन फाइनाइट वर्ब नहीं है, ये फाइनाइट वर्ब है। फाइनाइट वर्ब्स वो वर्ब्स होते हैं जो सिंगुलर और प्लूरल के अकॉर्डिंग चेंज होता है और जो टेंस के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है। देखो सिंगुलर था तो सिंगुलर, दे था तो लाइक लगाया और पास्ट टेंस में ईडी लगा दिया, तो ये सारे फाइनाइट वर्ब्स है। फाइनाइट वर्ब सिंगुलर और प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज होता है। लेकिन आपने देखा होगा ना इस स्विमिंग का कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंगुलर भी था तो वही वाला जीरेंड, प्लूरल भी था तो वही जीरेंड और पास्ट टेंस में भी वही जीरेंड। तो ये जो जीरेंड होता है नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसका सिंगुलर और प्लूरल से कोई मतलब ही नहीं है। सिंगुलर के साथ भी वही जीरेंड, प्लूरल के साथ भी वही जीरेंड, प्रेजेंट के साथ भी वही जीरेंड, पास्ट के साथ भी वही जीरेंड, इसीलिए हम लोग इसको नॉन फाइनाइट वर्ब बोलते हैं। अब देखो यहाँ पे ये इन्फिनिटिव है, अब इसको वर्ब मत मानना क्योंकि वर्ब तो विश आ गया, ये मेन वर्ब है, यहाँ पे हमें मेन वर्ब मिल गया विश और यहाँ भी पास्ट टेंस में विश लगा दिया। लेकिन आप देख रहे हो ये जो इन्फिनिटिव है, सिंगुलर था तो वही इन्फिनिटिव, प्लूरल था तो वही इन्फिनिटिव, पास्ट टेंस में भी वही इन्फिनिटिव। तो इन्फिनिटिव का भी सिंगुलर प्लूरल से कोई लेना देना नहीं है, ना टेंस से लेना देना है। लेकिन लेकिन ये तो नॉन, ये तो फाइनाइट वर्ब है ना, ये तो चेंज हो रहा है ना, ही था तो विशेज, दे था तो विश और पास्ट टेंस में विश्ड। अब देखो जीरेंड और इन्फिनिटिव पे टेंस का और सिंगुलर और प्लूरल का कोई लेना देना नहीं हो रहा है, इसीलिए हम जीरेंड, इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को नॉन फाइनाइट वर्ब के अंडर डालते हैं, ठीक है। और अगेन देखो, अब देखना ये ग्लासेस क्या है, ग्लास नाउन है, ग्लास नाउन है, कैसा ग्लास? टूटा हुआ, तो ये क्या है, ग्लास की विशेषता बता रहा है और एडजेक्टिव है। और ब्रोकन वर्ब का कौन सा फॉर्म है? ब्रोकन वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो कभी कभी वर्ब का थर्ड फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है जिसको हम पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी एडजेक्टिव है। अब बोलना, अब ये मत बोलना कि मैम ये वर्ब कैसे नहीं है, क्योंकि हमारा वर्ब ये है, टूटे हुए ग्लासेस को रिपेयर किया गया, ये वर्ब है और ये तो ग्लास की विशेषता बता रहा है ना। यहाँ ब्रोकन से किसी भी एक्शन का के बारे में नहीं पता चल रहा है, कैसे ग्लासेस टूटे हुए, यहाँ ब्रोकन वर्ड किसी भी एक्शन नहीं बता रहा है, तो ये वर्ब नहीं है, ये एडजेक्टिव है, ग्लास की विशेषता बता रहा है। और यहाँ भी ये प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल है, एडजेक्टिव है। तो आप देख रहे हो एक ग्लास है फिर भी वही पार्टिसिपल और बहुत सारे ग्लासेस है फिर भी वही पार्टिसिपल, क्योंकि पार्टिसिपल क्या है, एडजेक्टिव है और एडजेक्टिव का सिंगुलर प्लूरल और टेंस से कोई लेना देना होता ही नहीं, ठीक है। लेकिन ये जो वॉज है ये तो फाइनाइट वर्ब है ना,
क्योंकि एक ग्लास था तो वॉज लगाया, बहुत सारा ग्लासेस था तो वर लगाया। ठीक है, चलिए मुझे बताइए, अगर आपसे कोई पूछे द ब्रोकन ग्लासेस वर रिपेयर्ड, कि जीरेंड इन्फिनिटिव और पार्टिसिपल को नॉन फाइनाइट क्यों बोलते हैं, तो आप बता दोगे ना, ये सारे नॉन फाइनाइट वर्ब्स है, इसका सिंगुलर प्लूरल और टेंस से कोई लेना देना नहीं है, बट ये सारे फाइनाइट है क्योंकि ये सिंगुलर प्लूरल और टेंस के अकॉर्डिंग चेंज हो रहे हैं। ओके, चलो लिख लिया। अभी तो मैंने प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल लगाया, सब पता नहीं क्या लिख रहे हैं, कुछ आंसर वेंसर नहीं कर रहे हैं। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एडजेक्टिव का टेंस से कोई थोड़ी लेना देना है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव प्रेजेंट में भी वही होता है, पास्ट में भी वही होता है, सिंगुलर के साथ भी वही एडजेक्टिव। हाँ, रिपेयर्ड भी वर्ब है, ब्रोकन ग्लासेस को रिपेयर किया गया किसी के द्वारा, और यहाँ रिपेयर में कोई एक्शन का बोध हो रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ का रिपेयर वर्ब है, वर्ब है, वर्ब दोनों वर्ब है, एक ऑक्सिलरी है और एक मेन। ओके, डन। हाँ, मेरे साथ ही लिखते रहते, तो कोई अगर पूछे तो बता देना फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब में डिफरेंस क्या है। ओके, चलो ये वाला हो गया। अब यहाँ तो मैंने प्रेजेंट पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दिया, प्रेजेंट पार्टिसिपल भी आप कर सकते हैं। ओके, हाँ चलो, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन क्या आएगा, डाउट वाला एरिया, डाउट वाला एरिया क्या आएगा, डाउट कहाँ पे आने वाला है, कि मैम वर्ब का जो आईएनजी फॉर्म है ना, वर्ब का आईएनजी फॉर्म है, कहीं कहीं पे ये वर्ब का भी काम करता है, वर्ब का भी काम करता है, और कहीं कहीं वर्ब का, अब आपके मन में ये डाउट आने वाला है कि कैसे पता करेंगे, क्योंकि जीरेंड भी तो आईएनजी फॉर्म होता है, जीरेंड भी तो आईएनजी फॉर्म में होता है, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल भी तो आईएनजी फॉर्म है, तो कैसे पता चलेगा कि कहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, कहाँ का आईएनजी जीरेंड है, कहाँ का आईएनजी प्रेजेंट पार्टिसिपल है। पास्ट पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं होगी क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में नहीं होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल आईएनजी फॉर्म में होता है। ये देखो एक मिनट, ये वाला मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, द डेवलपिंग कंट्रीज, पार्टिसिपल किसको बोलते हैं, जब वर्ब एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का दो ही फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है, एक V4 एक V3, V3 को हम बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल और V4 को प्रेजेंट पार्टिसिपल। द डेवलपिंग कंट्रीज, क्योंकि मैंने पास्ट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल दिया है ना, कुछ बच्चे प्रेजेंट पार्टिसिपल में कंफ्यूज हो जाएंगे। द डेवलपिंग कंट्रीज शुड हेल्प, डेवलपिंग नहीं, द डेवलप्ड, द डेवलप्ड कंट्रीज शुड हेल्प द डेवलपिंग कंट्रीज। अब देखो इस सेंटेंस का वर्ब कौन सा है, इस सेंटेंस में वर्ब कौन सा है, ये है, शुड हेल्प हमारा वर्ब है, ठीक है। अब ये जो डेवलप्ड है ना, आप बोलोगे मैम डेवलप्ड में तो ईडी लगा है, डेवलप्ड में ईडी लगा है, तो ये वर्ब है ना, ठीक है, बिल्कुल वर्ब है, और पार्टिसिपल होने के लिए सबसे पहले तो उसको वर्ब होना होगा ना, तब जाके वो एडजेक्टिव का काम करेगा, किसी नाउन की विशेषता बता रहा है, तो हमें अपना वर्ब ये मिल गया, ये ऑक्सिलरी वर्ब है, ये मेन वर्ब है, इसका मतलब है कि ये वर्ब नहीं है, यहाँ पे डेवलप्ड से ना किसी भी एक्शन के बारे में नहीं पता चल रहा है, यहाँ डेवलप सिर्फ कंट्रीज की विशेषता बता रहा है, कंट्रीज क्या है, कंट्रीज नाउन है, कैसा कंट्रीज, डेवलप्ड है, तो डेवलप्ड एडजेक्टिव है, और डेवलप्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म है, वैसे डेवलप का सेकेंड फॉर्म भी डेवलप्ड ही होता है, लेकिन सेकेंड फॉर्म कभी भी एडजेक्टिव का काम नहीं करेगा, थर्ड फॉर्म करेगा, तो ये वर्ब का थर्ड फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग रहा है, इसका मतलब है ये पास्ट पार्टिसिपल है, ठीक है। और कंट्रीज क्या है, नाउन, कैसा कंट्रीज, डेवलपिंग, जो डेवलप कर रहा है, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, तो या इसको हम क्या बोलते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल। अभी मैंने साइड में लिखा हुआ है ना कि वर्ब का V3 फॉर्म भी एडजेक्टिव का काम करता है, जिसको पास्ट पार्टिसिपल बोलते हैं, और वर्ब का आईएनजी फॉर्म भी कंट्री की विशेषता बता रहा है, बट दोनों में डिफरेंस क्या है, कि पास्ट पार्टिसिपल का मतलब है ना ऑलरेडी वो काम हो चुका है, पास्ट पार्टिसिपल मतलब कंट्रीज ऑलरेडी डेवलप हो चुका है, बट यहाँ तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, अभी भी डेवलप कर रहा है, ठीक है, अभी भी डेवलप कर रहा है। हाँ, पास्ट पार्टिसिपल ऑल्सो वर्क्स एज एन एडजेक्टिव, वही तो मैं बार बार बोल रही हूँ,
वर्ब के v3 फॉर्म में पास्ट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है, नाम ही उसका पार्टिसिपल है, और v4 को भी हम प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। ये मैंने पहला दिन आपको पढ़ा दिया था, ओके, पहला दिन पढ़ा दिया था। चलो ये तो छोड़ो अभी, अब आपका प्रॉब्लम कहाँ आने वाला है, अब आपका प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, अब आप बोलोगे कि मैम हाँ आपका प्रॉब्लम आएगा कि मैम कैसे पता चलेगा कि कहाँ वर्ब का ing फॉर्म मेन वर्ब का काम कर रहा है, कैसे पता चलेगा कि कहाँ वर्ब का ing फॉर्म जीरेंड है, और कैसे पता चलेगा कि कहाँ वर्ब का ing फॉर्म प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पास्ट पार्टिसिपल ing फॉर्म में नहीं होता है। अगर अगर सिंपल लैंग्वेज में मुझे बोलना हो ना, जहाँ के ing से किसी एक्शन का, किसी एक्शन मतलब या किसी काम का, किसी क्रिया का बोध हो रहा है, तो वहाँ का मेन वर्ब है। जहाँ का ing फॉर्म सेंटेंस में नाउन का काम कर रहा है वो जीरेंड है, और नाउन का काम करने के लिए जीरेंड को वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट सब बनना हो। और प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या है, जब वर्ब का ing फॉर्म एडजेक्टिव का काम करने लग जाए उसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। तो ये बोलना तो ईजी है, ये बोलना ईजी है, बट सेंटेंस में कभी कभी हमारे बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं। कई बार हमारे बच्चों का ये क्वेश्चन रहता है कि मैम हमने पढ़ा है कि जहाँ भी इज एम आर वॉज, जहाँ भी इज एम आर वॉज वर के बाद अगर ing आ गया ना, तो मतलब समझ लो कि वहाँ का ing मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, ठीक है। लेकिन ऐसे ट्रिक से नहीं पढ़ा जाता है, कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं इज एम आर, क्योंकि वो पढ़ लेते हैं कि वर्ब के बी फॉर्म्स के साथ ना, इज एम आर वॉज वर के बाद, वॉज वर के बाद जहाँ भी ing आ गया वो मेन वर्ब है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि कहीं कहीं पे वर्ब इज एम आर के बाद ing आया लेकिन वो मेन वर्ब ना होके वो क्या है, हाँ वो क्या है, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है, वो पार्टिसिपल भी हो सकता है। पार्टिसिपल मतलब प्रेजेंट वाला, प्रेजेंट वाला। तो ऐसे नहीं पढ़ना है, अभी मैं आपको क्लियर करूंगी, क्लियर करूंगी, अभी क्लियर करूंगी। जहां भी ing के बाद आपके दिमाग में आएगा मैम इज एम आर के बाद ing आ गया ना, तो मेन वर्ब होगा। लेकिन कभी कभी इज एम आर के बाद ing आता है लेकिन वो मेन वर्ब ना होके पार्टिसिपल होता है। अभी मैं आपको क्लियर कर रही हूं, ठीक है, ये लिख लो। हाँ गोल्ड क्लास क्या है, गोल्ड क्लास मैंने किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाया था 4-5 साल पहले। चलो एक मिनट, चलो आज हम लोग ना आइडेंटिफाई करना सीखेंगे, आज हम लोग पहचानना सीखेंगे कि कहाँ का ing मेन वर्ब है। कैसे पता करेंगे मैम, कहाँ का ing जीरेंड है और कहाँ का ing प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ओके, एग्जाम्पल से क्लियर होगा, एग्जाम्पल्स। सेशंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक वाइक भी कर देना है, जहां भी दिक्कत होगी ना आप बताओगे मुझे। लिख लिया है, लिख लिया, ओके, सेशंस को लाइक भी कर देना है। ओके ठीक है, यहाँ पे करते हैं। इससे कैसे कैसे एरर्स आ रहा है, और ये मैं क्यों इतना स्ट्रेस डाल के पढ़ा रही हूँ, और इससे कैसे एरर्स आता है बताती हूँ। मैंने लिखा ही इज स्विमिंग, फिर मैंने लिखा ही लाइक्स स्विमिंग, ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, तीसरा ही इज फॉन्ड ऑफ स्विमिंग, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, I saw him swimming
द होल डे. मैंने उसको पूरा दिन स्विमिंग करते हुए देखा. ठीक है, मैंने उसको पूरे दिन स्विमिंग करते हुए देखा. ओके, तो चलो ही स्विमिंग. नाउ लेट अस सी, दिस इज ऑल्सो आईएनजी. ओके, एंड दिस इज ऑल्सो आईएनजी, एंड दिस इज ऑल्सो आईएनजी, एंड दिस इज ऑल्सो आईएनजी, एंड दिस इज ऑल्सो आईएनजी. नाउ लेट अस सी, बिकॉज दिस आईएनजी इन अ सेंटेंस. Okay, let's move to this part. This ing in a sentence can act as a main verb also. Okay? This ing in a sentence can act as a gerund also. And for this ing to act as a gerund, it should either be the subject or object of the sentence. That means this should act as a noun. Okay? And this ing can act as present participle also. So let us see logically. Okay, how to decide ki whether a particular ing is a noun or a participle or a main verb. Just see. He is swimming. Theek hai, he is swimming. Yeah, I write. The book is interesting. Ek aur likh diya maine. The book is interesting. Just see the first and the last sentence. The many of the students, they have in this mind, na? They have kept in their mind ki whenever after is MR, we have a ing, that means that is a main verb. But in the last sentence also, after is, we are having ing, but this is not a main verb. This is acting as an adjective. This is acting as a present participle. Present participle. Okay, so you have to discard this logic ki jab bhi is MR ke baad ing aa gaya na, to usko hamesha main verb hi hoga. Kabhi kabhi present participle adjective bhi ho sakta hai. अब देखो कैसे पता करेंगे कि कहाँ का ing मेन वर्ब है, कहाँ का ing जीरेंड है या पार्टिसिपल है. ही इज स्विमिंग, ही इज स्विमिंग में ट्रांसलेशन करिए. ही इज स्विमिंग मतलब वो तैर रहा है, वो तैर रहा है. तो यहाँ स्विमिंग में कोई क्रिया के बारे में पता चल रहा है ना, वो तैर रहा है. तैर रहा है मतलब तैरने का काम हो रहा है. तो यहाँ पे एक्शन का पता चल रहा है, और जब भी एक्शन का पता चले ना, तो यहाँ का स्विमिंग वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है. और ये वाला हो गया आपका ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी हो गया, उसके बाद मेन वर्ब आएगा, मेन वर्ब. अब लास्ट सेंटेंस देखो, द बुक इज इंटरेस्टिंग. यहाँ ही स्विमिंग में, यहाँ का आईएनजी से किसी क्रिया का पता चल रहा था, किसी काम के होने का पता चल रहा है, तो मेन वर्ब है. बट यहाँ पे देखो, ही इज इंटरेस्टिंग, सॉरी, द बुक इज इंटरेस्टिंग. बुक बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब बुक बहुत अच्छा है, इंटरेस्टिंग है. तो यहाँ इंटरेस्टिंग से कहीं क्रिया का थोड़ी पता चल रहा है कि इंटरेस्टिंग में कोई क्रिया थोड़ी हो रही है. स्विमिंग में तो वो भी रहा था, मेन वर्ब है, बट इसमें थोड़ी हो रहा है. इसमें तो बुक की विशेषता बताई जा रही है. बुक नाउन है, और नाउन की विशेषता बताने वाले वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, एडजेक्टिव होते हैं. लेकिन चूंकि ये एडजेक्टिव, वैसे तो गुड भी एडजेक्टिव है, जैसे मैंने लिखा होगा ना, तो द बुक इज गुड, तो गुड तो असली वाला एडजेक्टिव है, बट ये तो नकली वाला है. क्यों नकली वाला है? है तो ये वर्ब, वर्ब का वी फोर फॉर्म, आई एन जी फॉर्म, और एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है. हाँ, तो ये लॉजिक अपने दिमाग से हटा देना. इज एम आर के बाद हमेशा मेन वर्ब आएगा, इज एम आर के बाद एडजेक्टिव भी आ सकता है. जैसे मैंने द इंसिडेंट इज शॉकिंग, ये इंसिडेंट है ना, बहुत शॉकिंग है, तो शॉकिंग से कोई क्रिया का नहीं पता चल रहा है, इसका मतलब है वहाँ पे वर्ब नहीं है, वहाँ एडजेक्टिव है, प्रेजेंट पार्टिसिपल. ठीक है, हाँ ठीक है, हो गया ये. अब आ जाओ, ही लाइक स्विमिंग. इस सेंटेंस का सब्जेक्ट कौन सा है? इस सेंटेंस का हमारा सब्जेक्ट है क्या? इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है ही. ही लाइक्स व्हाट? स्विमिंग. और ये ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है. अब ये हमारा वर्ब है, लाइक्स वर्ब है. अब यहाँ का स्विमिंग वर्ब तो नहीं हो सकता है ना, क्योंकि हमें तो वर्ब मिल गया है. यहाँ का आईएनजी वर्ब हो ही नहीं सकता है, क्योंकि हमें यहाँ पे वर्ब मिल गया है. इसका मतलब है कि यहाँ का आईएनजी या तो जीरंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा. बट यहाँ का आई एन जी ना किसी की विशेषता नहीं बता रहा है, ये वाक्य में ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और वाक्य में ऑब्जेक्ट भी तो नाउन ही होता है ना. इसका मतलब है यहाँ का आई एन जी नाउन के रूप में है. इसका मतलब है कि यहाँ का आई एन जी जीरेंड है, जीरेंड है, जीरेंड, जीरेंड, जीरेंड है. ओके, हाँ, लाइक्स हमें वर्ब मिल गया, जीरेंड है, जीरेंड है. और यहाँ तो काम ही आसान है. ये देखो, ऑफ क्या है? ऑफ प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या आता है? प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है. क्यों नाउन आता है? क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ड आता है ना, वो उसका ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट होने के लिए उसको नाउन होना होगा ना.
एक तो ये ऑब्जेक्ट भी है, साथ में नाउन भी है, आईएनजी भी है, इसका मतलब यहाँ भी जीरेंड है। प्रेपोजिशन के बाद कोई भी आईएनजी आ रहा है तो उसको जीरेंड ही मानना है, क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद नाउन आता है और नाउन अगर आईएनजी फॉर्म में है मतलब जीरेंड है, जीरेंड जीरेंड है। ओके, और यहाँ तो काम आसान है, स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ। इज क्या है? इज वर्ब है, थोड़ा सा बोर्ड ज़्यादा गंदा हो गया। इज क्या है? इज वर्ब है, और सदियों पहले वर्ब ने अपना एग्रीमेंट किससे किया? सब्जेक्ट से। और किसी भी वर्ड को सब्जेक्ट होने के लिए क्या होना है? नाउन या प्रोनाउन। बट यहाँ पे तो आई एन जी नाउन सब्जेक्ट है, इसका मतलब है नाउन है, और नाउन है इसका मतलब क्या है? जीरेंड है। पार्टिसिपल तो नाउन नहीं होता है ना, पार्टिसिपल तो एडजेक्टिव होता है। ओके, हाँ, अरे प्रेजेंट पार्टिसिपल किसने बोल दिया? प्रेजेंट पार्टिसिपल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव होता है, और एडजेक्टिव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं, एडजेक्टिव का सब्जेक्ट से कोई लेना देना नहीं है। ओके, अब नेक्स्ट वाला आ जाओ। नेक्स्ट वाला मेन वर्ब नहीं है, यहाँ वाला स्विमिंग ना मेन वर्ब नहीं है, क्योंकि हमारे पास वर्ब हमें मिल गया, हमें अपना वर्ब मिल गया है, ठीक है, तो स्विमिंग वर्ब नहीं है। तब तो या तो जीरेंड होगा या तो पार्टिसिपल होगा, बट जीरेंड नहीं होना है, क्योंकि जीरेंड होने के लिए या तो उसको सब्जेक्ट बनना होगा या तो ऑब्जेक्ट बनना होगा, बट हमारा सब्जेक्ट तो आई है और हमारा ऑब्जेक्ट तो हिम है, इसका मतलब है ना कि ये वाला जीरेंड है ही नहीं, क्योंकि जीरेंड होने के लिए तो उसको नाउन होना होगा, नाउन होने के लिए उसे वाक्य में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बनना होगा, बट हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट तो ये है और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है। प्रेजेंट पार्टिसिपल हिम की विशेषता बताइए, हिम को, उसने हिम को स्विम करते हुए देखा, हुए हुए, ठीक है। इसका तो मैंने पिछला जब मैंने जीरण पढ़ाया था ना, हिंदी में भी इसका हुए हुए ना ना रहा है रहा रही है वाला टाइप से बताया था। तो पहले तो मुझे बताओ कि जब भी आई एन जी देखोगे तो ये तो पता कर लोगे ना कहाँ का आई एन जी मेन वर्ब है, कहाँ का आई एन जी जीरेंड है और कहाँ का आई एन जी पार्टिसिपल। वर्ब का भी पोस्टमार्टम चलेगा कितने दिन तक चलेगा ये पता कर लेना। और ये सब बात मत बोलना, अरे जहाँ भी इज़म आर आ गया ना, जहाँ भी इज़म आर आ गया तो मतलब समझ जाना कि वहाँ पे मेन वर्ब है। कभी कभी इज़म आर के साथ आईएनजी आ गया, एडजेक्टिव भी हो। ओके ओके ओके, और थोड़ा सा ना हिंदी किया जाए हिंदी कर लेते हैं, थोड़ा सा हिंदी रहेगा ना तो आपको हेल्प कर देगा, हेल्प कर देगा। जहाँ भी सेंटेंस का सेंस जाए ना, देखो यहाँ पे लिख देती हूँ, वैसे उतना हिंदी करना नहीं चाहिए बट कर देती हूँ, कोई बात नहीं। जहाँ भी सेंटेंस से पता चले, हमें क्या करना है, हमें एग्जाम में समझ में आना चाहिए, जहाँ भी आईएनजी से पता चले वो काम कर रहा है कर रहा था या कर रहा होगा, रहा या रही कुछ भी है, होगा। ओके, तो जहाँ के आईएनजी से किसी काम के कंटिन्यूएशन का पता चले, ठीक है, किसी काम के कंटिन्यूएशन का पता चले मतलब वहाँ का आईएनजी मेन वर्ब है, ठीक है। रहा, काम कर रहा है, रहा था या रहा होगा, या रही है, रही होगी, रही थी, तो वहाँ वहाँ क्या हो जाएगा, मेन वर्ब है। और जहाँ के आईएनजी से ना ना का सेंस आए ना, ना ना ये थोड़ा सा आपको ऑकवर्ड लगेगा, ये कौन सा स्टाइल है, ये हमारा इंडियन स्टाइल है, तैरना, सोना, खाना, दौड़ना, पीना, पढ़ना, ना ना का सेंस आए मतलब जीरेंड है, जीरेंड है। मैंने उसको पढ़ते हुए देखा, मैंने उसको भागते हुए देखा, मैंने उसको सोते हुए देखा, मैंने उसको नाचते हुए देखा, जहाँ भी हुए हुए का सेंस आए, हुए हुए का सेंस आए, हुए हुए उसकी अवस्था बता रहा है, एडजेक्टिव एडजेक्टिव एडजेक्टिव, वैसे ऐसे नहीं पढ़ना है, ओके ऐसे नहीं पढ़ना है, बट सहूलियत के लिए पढ़ भी लेते हैं, ऐसे भी पढ़ लेते हैं। मैंने उसको, तो देखो थोड़ा ये भी लगाओगे तो पता चल जाएगा, ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, रहा है, रही है का सेंस आए ना, मतलब कंटिन्यूएशन में चल रहा है, मेन वर्ब है। ही लाइक स्विमिंग, उसको तैरना पसंद है, और ना ना का सेंस आए मतलब जीरेंड है। ही इज फॉन्ड ऑफ तैरना, उसको तैरना पसंद है, ना ना का सेंस आए जीरेंड, तैरना गुड है सेहत के लिए, ना ना का सेंस आए। आई सॉ हिम स्विमिंग, मैंने उसको तैरते हुए देखा, हुए हुए का सेंस आए तो पार्टिसिपल, हुए हुए का सेंस आए पार्टिसिपल नानी भी आई
ओके हाँ चलो, ये हो गया है। अब तो हमने पता लगा लिया। अब ये सब मैंने आपको बता दिया, ये सब तो कर ही लिया है, ठीक है। अब ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऑफ के बाद आ गया जीरेंड है, और यहाँ सब्जेक्ट का काम कर रहा है जीरेंड है, और इन्फिनिटिव भी सब्जेक्ट का काम करता है। देखो, टू लर्न अ न्यू लैंग्वेज इज़ डिफिकल्ट, तो यहाँ टू लर्न किस सेंस में, टू लर्न इन्फिनिटिव को मैंने सब्जेक्ट बनाया। देखो, शी कम्स टू सी, इन्फिनिटिव भी नाउन का काम करता है, इन्फिनिटिव भी नाउन का कर। ओके चलिए, ये हो गया। अब आपका डाउट वाला एरिया, ये सब तो हो गया, हुए हुए ये सब क्या है। अच्छा, मुझे ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया है, आई थिंक सीपीओ में आया है। ये क्वेश्चन का आंसर बताना मुझे, हिंदी से जल्दी समझ में आता है। चलो बताओ। बी पोलाइट एंड कर्टियस विल ग्रेटली इम्प्रूव योर चांसेस ऑफ मेकिंग फ्रेंड्स एट योर न्यू ऑफिस। अगर आप पोलाइट रहते हो ना, और बहुत विनम्र रहते हो, तो चांसेस है कि आपके लाइफ आपके ऑफिस में बहुत सारे फ्रेंड्स हो जाएंगे। सबसे पहले ये विल इम्प्रूव वर्ब है। ये विल विल क्या है, विल मॉडल वर्ब है, और मॉडल वर्ब के साथ वी वन आया है, और ग्रेटली एडवर्ब है, वर्ब की विशेषता बताने वाले। तो ये विल इम्प्रूव वर्ब है, और वर्ब को क्या चाहिए, वर्ब को सब्जेक्ट चाहिए। वर्ब ने सदियों पहले एग्रीमेंट सब्जेक्ट से किया है। बी भी तो वर्ब ही होता है, बी भी तो वर्ब होता है, बट मैंने क्या बोला कि सब्जेक्ट बनने के लिए, वर्ब को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको क्या बनना होगा, वर्ब को सब्जेक्ट बनने के लिए उसको क्या बनना होगा, नाउन बनना होगा। और नाउन वर्ब नाउन का काम कब करता है, जब या तो इन्फिनिटिव हो या तो जीरेंड हो। हमारे वाक्य का जो सब्जेक्ट है ना, इन्फिनिटिव भी हो सकता है, जीरेंड भी हो सकता है, लेकिन हाँ, जीरेंड ING फॉर्म में चाहिए ना, बट यहाँ तो बी ING फॉर्म में नहीं है, ठीक है, बी ING फॉर्म में नहीं है। हमें तो वर्ब वर्ब के लिए हमें तो सब्जेक्ट चाहिए, और सब्जेक्ट होने के लिए, जीरेंड होने के लिए ING चाहिए ना, बट ये ING नहीं है, ये गलत है। हाँ, तो कौन वाला आंसर है बताना। यहाँ भी तो ING है, ये देखो, ये प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद अगर ING आ रहा है, इसका मतलब है कि वो ऑब्जेक्ट है। प्रेपोजिशन के बाद भी नाउन आता है, बट प्रेपोजिशन सब्जेक्ट कभी नहीं लेता है, प्रेपोजिशन के बाद वाला ऑब्जेक्ट होता है। यहाँ भी प्रेपोजिशन है, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, बट वर्ब को ऑब्जेक्ट थोड़ी चाहिए। यहाँ बींग ऑब्जेक्ट है, यहाँ भी वर्ब को सब्जेक्ट, बींग। अगर आप पोलाइट और कर्टियस होते हो ना, तो आपके बहुत सारे फ्रेंड्स बन जाए। बी इज द करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट वाला, एक ये हो गया। हाँ, अब आपके कहाँ जहाँ जहाँ एरर्स आ रहा है, जहाँ जहाँ से एरर्स आ रहा है, पहले मतलब जहाँ जहाँ डाउट्स आ रहा है वो बता दूंगी, फिर अलग अलग चैप्टर्स पढ़ाऊंगी। अब आपके दिमाग में आएगा कि कहाँ पे जीरण लगाया जाए मैम, कहाँ इन्फिनिटिव लगाया जाए, कहाँ पे जीरण लगाया जाए और कहाँ पे इन्फिनिटिव लगाया जाए, क्योंकि दोनों तो नाउन है, दोनों नाउन है, एक ING फॉर्म में नाउन है और दूसरा 2+V1 फॉर्म है, बट दोनों तो नाउन है, दोनों नाउन है। ओके चलो, मुझे एनी आइडिया बताओ, कहाँ जीरण लगाते हैं, कहाँ पे इन्फिनिटिव लगाते हैं। कहीं कहीं पे तो दोनों चलता है, कहीं कहीं पे तो दोनों चलता है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। देखना, मैंने लिखा आई रिमेंबर टू मीट हिम, और मैंने लिखा आई रिमेंबर मीटिंग हिम। आई रिमेंबर
आई रिमेम्बर टू मीट हिम येस्टरडे. या आई स्टॉप्ड टू डू द वर्क. और लास्ट वाला लिखा आई स्टॉप्ड डूइंग द वर्क. नोट डाउन करिए. आपके चैनल पे जीके का क्लास होता है? अरे होता है, मेरे चैनल पे चले जाओ ना, यूसी लाइव हर दिन तो बता ही देती. यूसी लाइव यहाँ पे तो मैं अकेली हूँ, ओके, वन मैन शो है. इंग्लिश विद रानी मैम चैनल पे मैं तो अकेले पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरा एक और चैनल है जिसका नाम है यूसी लाइव, जाके इसको सब्सक्राइब कर लो. यहाँ जीएस की भी क्लास होती है, यहाँ रीजनिंग भी है, यहाँ मैथ्स भी है और इंग्लिश भी है. तो फटाफट क्लास खत्म होने के बाद यूसी लाइव चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वहाँ पे सारे फ्री क्लासेस है, जीएस, इंग्लिश, रीजनिंग सब है. ओके चलो, लिख लिया. अब आप बोलोगे ना मैम कि दोनों तो नाउन का काम करता है, जेरेंड भी नाउन होता है और इन्फिनिटिव भी नाउन होता है, कैसे पता चलेगा कहाँ पे क्या लगाया जाए? पहला वाला सेंटेंस में मुझे बताओ पहला दोनों में से कौन सा करेक्ट है. कौन सा करेक्ट है पहला दोनों में से? अभी नीतीश शर्मा को तुरंत ब्लॉक करवा दूंगी, सारा हंसना बंद हो जाए. नहीं, दोनों करेक्ट. ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, बट यहाँ ना मैंने इन्फिनिटिव लगाया है. ठीक है, यहाँ मैंने इन्फिनिटिव लगाया है. क्या आई रिमेम्बर, और यहाँ आई रिमेम्बर मीटिंग, यहाँ पे मैंने जीरण लगाया. वॉट का जवाब आ रहा है ना, आई रिमेम्बर वॉट, मुझे क्या चीज़ याद है उससे मिलना. यहाँ भी आई रिमेम्बर वॉट का जवाब आ रहा है, इसका मतलब है नाउन है, और इन्फिनिटिव भी तो नाउन होता है और जीरण भी तो नाउन होता है, तो दोनों में क्या डिफरेंस है? अब दोनों में डिफरेंस देखो, आई रिमेम्बर टू मीट हिम, मुझे याद, टू मीट का मतलब है ना मुझे याद है कि मेरे को उससे मिलना है, अभी मैं उससे मिली नहीं हूँ. आई रिमेम्बर टू मीट हिम, तो यहाँ पे एक्शन इनकम्प्लीट है. आई रिमेम्बर, मेरे को याद है कि मेरे को उससे शाम में मिलना है, और आई रिमेम्बर मीटिंग हिम, मुझे याद है मेरा उससे मिलना, मुझे याद है, तो यहाँ पे आप ऑलरेडी मिल चुके हो. ओके, जैसे आप कल किसी से मिले हो तो आप बोलोगे ना आई रिमेम्बर मीटिंग है, मुझे याद है कि कल मैं उससे मिला था, इसका मतलब है मिलने का काम हो गया है. यहाँ पे आप वो एक्शन को करते हो, ठीक है, वहाँ पे वो एक्शन को अक्सर करते हो तो जीरण लगाएंगे, बट यहाँ पे आपने अभी उससे मिला नहीं है, मुझे याद है कि मेरे को शाम में उससे मिलना है, तो इन्फिनिटिव में एक्शन इज इनकम्प्लीट, बट जीरण में एक्शन कंप्लीट है एज एन एक्टिविटी जो आप अक्सर करते हो. ओके हाँ, विकास, नीतेश शर्मा को ब्लॉक करो. नीतेश शर्मा ब्लॉक. ओके हाँ, अब यहाँ पे तो दोनों करेक्ट है. अभी आपको उससे मिलना है, और यहाँ पे आप मिल चुके हो और वही चीज़ याद कर रहे हो, बट यहाँ तो आपको अभी याद है कि आपको उससे मिलना है, तो यहाँ तो दोनों करेक्ट है, बट थर्ड वाला में मुझे बताओ कि थर्ड वाला में क्या होगा. थर्ड वाला में हिम की जगह हर कर दो. अभी भगत सिंह आप भी तुरंत ब्लॉक हो जाओगे, हर करने के चक्कर में. हाँ, आई रिमेम्बर टू मीट हिम येस्टरडे, अब यहाँ पे काम हो चुका है, मुझे याद है कि कल मैं उससे मिला था. ओके, मुझे याद है कि कल मैं उससे मिला था, तो यहाँ पे येस्टरडे काम खत्म हो गया है ना, और जब काम खत्म हो गया है तो आई रिमेम्बर मीटिंग हिम लगा, मीटिंग.
मीटिंग मीटिंग ही मीटिंग ओके हाँ ठीक है। कभी कभी ऐसे तो एग्जाम में ये वाला एरर तो नहीं देंगे जहाँ पे दोनों आ सकता है, लेकिन दोनों का सेंस अलग है। एग्जाम में ऐसा एरर देंगे ना जहाँ पे दोनों में से कोई एक ही हो। अब नेक्स्ट वाला में से भी दोनों आ सकता है। आई स्टॉप टू डू द वर्क, टू डू का मतलब है ना अभी मैं काम किया नहीं हूँ, मैं काम करने के लिए रुका, ठीक है, मैं काम करने के लिए रुका। लेकिन आई स्टॉप डूइंग द वर्क, मैंने काम करना बंद कर दिया, इसका मतलब है ना कि ये काम पहले से चल रहा था, ये काम पहले से चल रहा था और आपने बंद कर दिया। आप जो काम कर रहे थे आपने उसको रोक दिया, क्योंकि काम ऑलरेडी चल रहा था, हो रहा था। बट आई स्टॉप टू डू द वर्क का मतलब है मैं इस काम करने के लिए रुका, मतलब अभी काम स्टार्ट नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं हुआ है। अगर टुमारो रहता तो मीट लगा देते, टुमारो रहता ना तो हम मीट लगाते हैं। शाफिक, आई रिमेंबर टू मीट हिम टुमारो, मुझे याद है कि कल मेरे को उससे मिलना है, ठीक है। हाँ, फोर्थ वाला रॉन्ग थोड़ी है, फोर्थ वाला भी सही है, बट दोनों का मतलब अलग है। आप विश्वनाथ, आप भी तुरंत विश्वनाथ एंड सन्स ब्लॉक हो जाओ, सबको ब्लॉक कर देंगी तो किसे पढ़ाइएगा आप, उसकी चिंता मत करो। कुछ को ब्लॉक कर दूंगी ना तो बाकी सब सही पढ़ लेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है ना एकदम सिलेक्शन ओरिएंटेड है, ये हंसी मजाक वाला चैनल नहीं है। यहाँ से सिर्फ बच्चे क्वालिटी वाले हैं जो सिर्फ पढ़ने आते हैं। ओके चलो ये क्लियर है। आई स्टॉप टू डू द वर्क, मैं काम करने के लिए रुकी, अभी मैं काम करने के लिए रुकी, अभी मैंने काम स्टार्ट नहीं किया है। बट आई स्टॉप डूइंग मतलब वो काम मैं पहले से कर रही थी ना, अब जाके रोका, अब जाके, ठीक है। ये हो गया। ठीक है चलिए, आई स्टॉप टू डू द वर्क, मैं जा रही थी और मैं कहीं पे रुक गई अपना काम करने के लिए, और आई स्टॉप डूइंग का मतलब है मैं पहले से कर रही थी उसको रोक दिया। इसमें क्या कंफ्यूजन है, इतना छोटा सा चीज़ है, इतना छोटा सा चीज़ है। और दूसरा चीज़ हम इन्फिनिटिव का और कब यूज़ करते हैं, एक चीज़ और, जब भी एक तो इन्फिनिटिव में अभी एक्शन इनकम्प्लीट है, ठीक, इनफाइनाइट लिख दिया, इन्फिनिटिव में ना एक्शन इज इनकम्प्लीट, अभी आपने वो किया नहीं है। और दूसरा इनकम्प्लीट, और जब भी हम किसी सेंटेंस में किसी को कुछ चीज़ एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कोई चीज़ एडवाइस दे रहे हैं, किसी को कोई चीज़ सजेशन दे रहे हैं, ठीक है, किसी को ऑर्डर कर रहे हैं, तो वहाँ भी इन्फिनिटिव का यूज़ करते हैं। क्यों? क्योंकि ऑर्डर देते समय भी अभी काम हुआ नहीं है ना, आप उसको ऑर्डर दे रहे हो कि इस काम को करो, अभी किया नहीं है, आप सजेशन दे रहे हो कि आप ऐसा करो, आप एडवाइस दे रहे हो कि ऐसा करो, अभी हुआ नहीं है, तो इनकम्प्लीट एक्शन है, तो वहां पे इन्फिनिटिव लगाओ, इन्फिनिटिव होगा। और हम जीरंड कब लगाते हैं, जब भी कोई हॉबी मतलब समझ रहे हो, हॉबी मतलब क्रियाकलाप, जिसे एक्टिविटी, जब भी एक्टिविटी हॉबी का सेंस आए ना तो वहां पर हम जीरंड लगाते हैं। जैसे स्विमिंग इज गुड फॉर हेल्थ, तैरना आपकी हॉबी है, जिसको एक्टिविटी का मतलब क्या होता है, जिसे आप रेगुलरली करते हो, जिसे आप रेगुलर एज एन एक्टिविटी करते हो, पेंटिंग, स्विमिंग, ये सब के लिए हम जीरण का यूज करते हैं। तो ये एक्टिविटी है, एक्टिविटी जिसे आप एज अ हॉबी बना के करते हो। वी नीड टू मेंटेन द डेकोरम ऑफ द चैनल, यस, दैट इज वाई ना, तो आई ब्लॉक द एंटी सोशल एलिमेंट्स फ्रॉम माई बैच, because I need quality students, because ultimately at the end of the day na, the sole motive behind teaching you all is your selection, so I block the antisocial elements, because this we cannot get selection at the cost of this antisocial elements. Infinitive hamesha two leta hai, kabhi kabhi two bagair two wala bhi leta hai, bagair two wala bhi. योगा करना, रनिंग करना एक्टिविटी है। ओके तो एक दूसरा डाउट ये भी आएगा,
कि जीरेंड हमेशा कॉज हैबिट एक्टिविटी के लिए होता है और पर्पस ऑर्डर के लिए ये होता है. और एक और मैंने और बता दिया कि इनकम्प्लीट है तो इन्फिनिटिव लगाना और कंप्लीट है तो जीरेंड लगाना. हिज ओनली मोटिव वॉज फाइंडिंग द ट्रूथ एंड फॉलो इट. बेयर इन्फिनिटिव भी करेंगे, बेयर इन्फिनिटिव भी होगा. पहले तो सेशंस को लाइक करो. पढ़े जा रहे हो, पढ़े जा रहे हो, एक घंटा हो गया, लाइक करने का नाम नहीं ले रहे हो. कंप्लीट वर्क या वर्क इन प्रोग्रेस ऑल्सो एन इशू, वो भी डाल सकते हो. कर दिया है, पढ़ पढ़ के चले जाएंगे हम. अब आगे चलते हैं. हाँ, चलिए आगे. क्लास में खो जाते हैं. His motive was, उसका मेन उद्देश्य था ना सच्चाई का पता लगाना. अब क्या करोगे मैम? एंड मैम, एंड कंजंक्शन तो बहुत वफादार टॉपिक है ना. दुनिया का सबसे वफादार टॉपिक क्या होता है? दुनिया का सबसे वफादार टॉपिक कंजंक्शन होता है. तो आपको लगेगा अरे ये आईएनजी है, ये आईएनजी है, तो यहाँ भी आईएनजी कर देते हैं एंड फॉलोइंग इट. कुछ बच्चे ये भी सोचेंगे अरे ये वी वन है तो इसको भी टू फाइंड कर देते हैं क्योंकि कंजंक्शन में तो पैरेललिज्म करना होता, समांतर करना होता. अब देखना है कि दोनों को वी वन किया जाए या दोनों को आईएनजी किया जाए. उसका मोटिव था, मोटिव मतलब उसका उद्देश्य था सच्चाई को पता लगाना. अभी पता नहीं लगाया है, पता लगाना था. तो अगर काम नहीं हुआ है ना तो इन्फिनेटिव लगा टू फाइंड. और ये फाइंड कॉमन ले लिया, टू को कॉमन ले लिया वी वन, एंड से जुड़ा है या वी वन ले लिया वी वन. ऐसा मैंने बहुत सारा, मैं आपको याद होगा ये मैंने ए टू जेड आपके कहने पे ग्रामर का बैच शुरू कर दिया है ए टू जेड. लेकिन इसके पहले भी मैंने इतना ज़्यादा पिछले 3 सालों में आपको कंटेंट दिया है ना, बिना ए टू जेड वाला वोकैब के भी जो बच्चे, लेकिन थोड़ा सा था उन बच्चों को थोड़ा मेहनत करके नोट्स बनाना था, वो पढ़ के भी बच्चों ने एग्जाम निकाल दिया. ऐसा थोड़ी है कि ये सब मैं पहली बार पढ़ा रही हूँ. पहली बार ना कोविड आया तो चलो मैं ऑनलाइन ये सब पढ़ाती हूँ, पैटर्न चेंज हो गया तो चलो पढ़ाती हूँ. ये कोविड पैटर्न वो सब के पहले ही मैंने सब पढ़ाना शुरू कर, सब पढ़ चुके हूँ. चलो नेक्स्ट वाला. ही लेफ्ट फॉर मुंबई. वो मुंबई के लिए रवाना हुआ, अराइविंग देयर ऑन मंडे. बताओ ये सब सीजीएल में नहीं आएगा तो कौन से एग्जाम में? पॉजिटिव वर्ब भी होगा, इसीलिए ना मुझे ज़्यादा हड़बड़ाओ नहीं. ठीक है, पॉजिटिव वर्ब भी मैं पढ़ाऊंगी, मुझे ज़्यादा हड़बड़ाओ नहीं, मुझे अच्छे से पढ़ा लेने दो. और आप जो बोलोगे आपके डिमांड पे थोड़ी चलेगा. जब बैच बोल दिया है कि एकदम बेसिक से जाएगा तो बेसिक से जाएगा. ही लेफ्ट फॉर मुंबई. वो मुंबई के लिए रवाना हुआ ताकि वो मंडे को वहां पहुंच जाए. अभी पहुंचा नहीं है, अभी पहुंचेगा मंडे को. टू अराइव, मुंबई से गया है वहां पहुंचेगा. कर्बिंग द स्प्रेड ऑफ वॉयलेंस. वॉयलेंस को, हिंसा को रोकने के लिए अथॉरिटीज ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरिया इन द स्टेट. ब्रॉट कर्फ्यू मोर एरिया इन द स्टेट, सॉरी ब्रॉट अंडर कर्फ्यू मोर एरिया. हाँ, हिंसा को रोकने के उद्देश्य से. अभी हिंसा रुका नहीं है, उसको रोकने के लिए पर्पस बता रहा है. तो यहाँ पे टू कर्ब लगाओ. अब एक स्टूडेंट का डाउट आ रहा था, मैं देख रही थी. स्विमिंग एक अच्छी एक्सरसाइज है. तो स्विमिंग क्या है? स्विमिंग एक अच्छा एक्सरसाइज है तो स्विमिंग एक्टिविटी है ना. ऐसा थोड़ी है कि स्विमिंग वो नहीं कर रहा है, वो तैरता है तभी तो इस बात को बोल रहा है. वो एक्टिविटी है, स्विमिंग एक एक्टिविटी है जो एक हॉबी है, अच्छा एक्सरसाइज है. टू स्विम नहीं, स्विमिंग एज एन एक्टिविटी बताया, एज अ हॉबी, एज एन एक्सरसाइज. अब मैं एंड करूंगी, अब 12:30 हो गया है.
ओके, 1 आवर का क्लास हो गया है। अभी बहुत डिटेल में चलेगा। आज हमने क्या क्या सीखा? आज हमने सीखा कि नॉन फाइनाइट वर्ब होता क्या है, ठीक है। नॉन फाइनाइट जीरेंड और इन्फिनिटिव में क्या डिफरेंस है, दोनों नाउन है, और पार्टिसिपल क्या होता है, वर्ब का दो फॉर्म पार्टिसिपल का काम करता है, V3 V4, और ING सीखा, कहीं का ING मेन वर्ब भी होता है, कहीं का ING पार्टिसिपल भी होता है, कहीं का ING जीरेंड भी होता है, उसको पता लगाया क्या करना है। और फिर मैंने आपको बताया कि कहाँ इन्फिनिटिव लगेगा, कहाँ जीरेंड लगेगा, एक्शन इनकम्प्लीट है या एक्टिविटी का सेंस जा रहा है, जीरेंड लगाना, पर्पस उद्देश्य बता रहा है, इन्फिनिटिव लगाना। कल हम सीखेंगे कहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल लगेगा, कहाँ पास्ट पार्टिसिपल लगेगा और कहाँ दोनों लगेगा। और कल ही हम सीखेंगे कहाँ जीरेंड से कैसे एरर आते हैं, फिर मैं इन्फिनिटिव को पॉजिटिव वर्ब से जोड़ूंगी, वो सब हम लोग करेंगे, अभी टाइम लगेगा। ओके हाँ, तो सेशंस बिफोर हाँ बहुत सारा है, कर लेंगे बाद में, ये तो बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। हाँ, तो अनअकैडमी पे एक बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, अपने स्टूडेंट्स को ये खबर करना ज़रूरी था। अनअकैडमी पे बहुत अच्छा ऑफर चल रहा है, 30% डिस्काउंट आज तक अनअकैडमी ने कभी नहीं दिया है, तो ये ऑफर 26 से 30 सितंबर तक चल रहा है, ठीक है, 30 सितंबर तक चल रहा है। और 1 अक्टूबर से मेरा नया बैच भी आ रहा है, एक 1 अक्टूबर से आ रहा है और एक 20 अक्टूबर से आ रहा है। 20 अक्टूबर वाला ग्रामर और वो कैप का बैच है, 40 डेज स्ट्रैटेजी है, ओके 40 डेज का बैच है ये, कुछ इसमें कमाल करना होगा। और जो 1 अक्टूबर से आ रहा है ना, वो PQR है, सेंटेंस अरेंजमेंट, क्लोज टेस्ट और पैसेज का बैच। तो अन अकेडमी पर 20% से भी ज़्यादा, 10% और, अक्सर वो 20% देते थे, लेकिन यहाँ तो इन्होंने 20 लिखा है बट यहाँ पे 30 है। आपको ये कोड यूज़ करना होगा, Rani10, ये कोड यूज़ करोगे तो आपको और 10% ऑफ मिल जाएगा, मतलब आपका पूरा 30% डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, आपको ये Rani10 कोड यूज़ कर लेना है, आपको 30%। और मेरे दो दो बैचेस भी आ रहे हैं, और कुछ भी, हाँ दो बैचेस तो यहाँ पे बता ही दिया, दो बैचेस में ये देखो, एक 20 अक्टूबर से आ रहा है ग्रामर का 40 डेज स्ट्रैटेजी, और एक पैरा जम्बल्स का बैच 1 अक्टूबर से आ रहा है। और अगले मंडे ट्यूसडे वेंसडे छुट्टी रहेगी, मैं भी छुट्टी पे हूँ इसलिए यूट्यूब पे क्लास नहीं जाएगा, तो बहुत परेशान मत होना, आराम से अपना पेंडिंग वर्क सब कर लेना, ऐसा नहीं है कि मैम ने छोड़ दिया बैच ये वो। और अनअकैडमी पे एडमिशन लेने के लिए आपको कोई दिक्कत हो, एडमिशन में कुछ भी दिक्कत हो रही है, 9995835583 पे कॉल कर लेना, ये आपको गाइड कर देंगे। और हाँ, और मेरा कोड यूज़ कर लेना Rani10, अभी तो 30% ऐसे तो 10 मिलता है बट अभी 30% डिस्काउंट चल रहा है 30 तारीख तक, ओके। और अलग अलग नहीं लेना है, दो बैचेस आ रहे हैं ना, तो दोनों में अलग अलग एडमिशन नहीं लेना, बस अनअकैडमी पे एक ही बैच में एडमिशन लोगे ना, तो मेरे सारे बैचेस के अलावा मैथ्स रीजनिंग GS वगैरह सब मिल जाएगा, ठीक है। और CPO का पेपर तो चल ही रहा है, मंडे वेंसडे फ्राइडे, अगले मंथ से तो चैनल बदल जाएगा और सब फ्री बैचेस है, ठीक है। और अब मुझे एक चीज़ और बताना है अनअकैडमी के टॉप एडुकेटर्स है, ठीक है, ऑल इंडिया रैंकर्स बैच है एक, ठीक है, ये सब बैचेस है, सिलेक्शन फॉर संकल्प बैच है, ठीक है, इसमें संकल्प ले लेंगे, जो जहाँ बैठा है ना सब संकल्प ले लेंगे कि ये बैच में आना है और एग्जाम क्रैक करना है, ये संकल्प बैच के आपके सारे टीचर्स हैं, ये न्यू पैटर्न के अनुसार है, प्री प्लस मेंस का है, संकल्प ले लेंगे तो हम किसी हाल में हमें सिलेक्शन लेके जाना है, 29 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। हाँ ओके गाइस, प्लीज लाइक द सेशन, लक्ष्य बैच है, बैच ही बैच है, कंप्लीट बैच, ओके। तो चलो, थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं, कल हम और आगे वाला सारा, ये से EMI फैसिलिटी भी है, ओके। टेलीग्राम से जुड़ जाना है, जो भी फ्री क्लासेस आते हैं ना उसका लिंक मैं प्रोवाइड कर दूँगी।